very good morning dear students, welcome back in my EVS class. And in previous class we studied about chapter number 4, food we eat. हम लोगों ने जो chapter की study की थी वो था chapter number 4, food we eat, भोजन जो हम लोग खाते हैं. बेटा इससे पहले जब मैंने आप लोगों को chapter की study करवाई थी तो उसमें बहुत difficult words थे. parents बोलते हैं कि बच्चों को pronounce करने में बहुत problem आती है, तो उसी वजह से मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए वर्ड्स टू लर्न, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको नोट डाउन भी करने हैं नोटबुक में और लर्न भी करने हैं साथ साथ. मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, बोलने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इन शब्दों को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है. ठीक है, वन बाय वन ये वर्ड्स 20 वर्ड्स हैं, आप नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिए, मैं आपको रिटर्न भी सेंड करूँगी PDF के थ्रू. तो अभी जितना ध्यान मेरे बोलने की तरफ आप लोग लगाएंगे उतना बेस्ट आप लोग उनको प्रोनाउंस कर सकेंगे. ठीक है, हाँ स्टार्ट विथ, डेट जरूर मेंशन करना बेटा अपने वर्क में. नंबर वन, REQURE रिक्वायर, REQURE रिक्वायर मीन्स जरूरत, हमारी जरूरत. नेक्स्ट वन VEGETA वेजी, ते RIANS वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस किन्हें बोलते हैं हम लोग, जो शाकाहारी होते हैं, जो लोग साग सब्जी रोटी सादा खाना खाते हैं. ठीक है, और नॉन वेजिटेरियंस, जब हम लोग वेजिटेरियन के आगे नॉन वर्ड यूज करते हैं, NON, नॉन वर्ड ऐड कर देते हैं आगे, तो वो क्या कहलाता है, नॉन वेजिटेरियन. और नॉन वेजिटेरियन कौन होता है, जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो फिश मीट एग्स वगैरह का खाने में प्रयोग करते हैं. थर्ड वन इज बिल्डिंग, BUIL, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है मंजिल. ठीक है, आपने बड़ी बड़ी मंजिल की इमारतें देखी है तो उन्हें हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, बिल्डिंग. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज CULTURAL कल्चरल, कल्चरल का मतलब क्या होता है बेटा, सांस्कृतिक. हर इंसान जिस परिवेश में पैदा होता है अपनी अपनी संस्कृति में ढल जाता है, हम लोग कैसा पहनते हैं, कैसा खान पान रखते हैं. ठीक है, ये होती है हमारे कल्चरल. फिफ्थ वन इज डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता. हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी सांस्कृतिक अनेकताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां और जातियां पाई जाती हैं. सिक्स्थ वन इज DIFF, डिफ, ERENT, रेंट, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग. सेवेंथ FAVOURITE, फेवरेट, फेवरेट मीन्स हमारा मनपसंद कार्टून, जैसे आप लोग देखते हैं फेवरेट कार्टून. नंबर एट COAS, COSTAL, कॉस्टल, कॉस्टल मीन्स समुद्र का किनारा, तटीय इलाका, समुद्र के किनारे तट को क्या बोला जाता है, कॉस्टल. नाइन्थ वन इज DIGEST, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, पचना, भोजन का पचना. लास्ट वन इज हार्मफुल, HARM, हार्म. आर यहाँ साइलेंट है बेटा, ध्यान रखना ये जो आर है यहाँ पर ये साइलेंट है, जब आप प्रनाउंस करते हैं वर्ड को तो वहां पे आर नहीं बोला जाता, जैसे कि KNIFE, नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है. सेम हियर HARM, हार्म. FUEL, हार्मफुल, नुकसानदायक. इलेवेंथ वन इज CON, कन, TAI TNER, नर, कंटेनर, कंटेनर मीन्स किसी भी डिब्बे को कंटेनर बोला जाता है. ठीक है, रोस्टेड. ट्वेल्थ इज ROSTED, रोस्टेड, रोस्ट करना मीन्स किसी भी भोजन को भाप से पकाना, रोस्टेड कहलाता है. थर्टींथ नंबर NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं. ठीक है, कोई भी भोजन किसी भी पोषक तत्व के बिना हमेशा अधूरा होता है, और सभी प्रकार के भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के भोजन में. ठीक है, फिफ्टींथ वन इज
प्रोटीन पी आर ओ प्रो टी ई आई एन एस प्रोटीन्स। अच्छा सॉरी 14 नंबर मिस हो गया, वन कोई बात नहीं, पहले प्रोटीन्स के बारे में समझ लीजिए। प्रोटीन्स हमें ये पोषक तत्व का ही पार्ट है। वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैंने यहाँ फैट मेंशन नहीं किया क्योंकि F85 बहुत इजी वर्ड है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दूध और दूध के बने प्रोडक्ट से, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? भोजन के किस तत्व में, किस अंश में पाया जाता है? भोजन की कौन सी वैरायटी में पाया जाता है प्रोटीन? दूध व दूध से बने प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। सी ए आर कार, बी ओ गो, एच वाई हाई, डी आर ए टी ई एस कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर पाया जाता है? चपाती एंड पोटैटो एंड बनाना। बहुत से ऐसे भोजन है, अलग अलग प्रकार की वैरायटीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वन इज फैट। 1, 2, 3, 4 फिफ्थ वन इज फैट। ये न्यूट्रिएंट्स की पार्ट है, किसके पार्ट है? न्यूट्रिएंट्स। 16th नंबर विटामिंस, वी आई टी ई एम आई एन एस विटामिंस। एंड 17th एम आई एन ई आर ई एल एस मिनरल्स। विटामिंस एंड मिनरल्स ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये तत्व भोजन के कौन से रूप में पाए जाते हैं, किस रूप में हमें ये तत्व पाया जाता है? ये हमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमें किससे बचाते हैं? बीमारियों से। किससे बचाते हैं? बीमारियों से। तो विटामिन एंड मिनरल्स दे आर द प्रोटेक्टिव फूड, दे आर द प्रोटेक्टिव फूड। ये हमेशा हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमेशा हमें ताजी फल व सब्जियां खानी चाहिए। 18th नंबर आर ई जी यू रेग्यू एल ए आर एल वाई लर्ली रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स रोजाना। रेगुलरली का यूज चैप्टर में क्यों हुआ था आपको कुछ ध्यान है? रेगुलरली का यूज वहां किया गया था, वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। लगभग 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना हमें पीना चाहिए। सो रेगुलरली, ओके। ई वी ओ आई डी अवॉइड, अवॉइड मीन्स दूर रहना, इन चीजों को अपने आप से दूर करना। किन चीजों को? फास्ट फूड, जंक फूड, ओवर ईटिंग, ठीक है। And the last one is essential, 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 essential का मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत ही ज्यादा आवश्यक, essential। Hope you understood। एक एक word मैंने आपको बहुत clearly समझाया है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो भी teachers आपको टीच कर रहे हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, आप क्या करेंगे? वीडियो को स्टॉप कीजिए या कंप्लीट देखने के बाद मैम की कही हुई बातों को रिपीट कीजिए। जैसे आज मैंने आपको वर्ड्स टू लर्न समझाए, इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ प्रोनाउंस कीजिए। जितना प्रोनाउंसिएशन आपकी स्ट्रांग होगी, जितना आप इन इंग्लिश वर्ड के साथ फैमिलियर बनेंगे, उतना आपको लर्निंग, आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्ट्रांगली अपनी स्टोरी को लर्न कर सकते हैं। और बेटा वीडियोस चला के अकेले में बैठ के वीडियोस को सुनिए, आपको स्कूल वाला माहौल जैसे आप लोग क्लास में बैठे, क्लास वाली फीलिंग भी आएगी, ठीक है। प्लीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउंस कीजिए, बार बार कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे पता है आपको ये 20 वर्ड्स देख के लग रहा होगा कि मैम ने इतना काम किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा। चैप्टर से मैंने ये वर्ड्स घूम घूम के स्पेशली निकाले हैं जो आप लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो प्लीज़ रेगुलर इन, मैं हर चैप्टर के साथ आपको वर्ड्स टू लर्न दूंगी ताकि आप लोग इन्हें लर्न कर सकें, प्रोनाउंस कर सकें, स्ट्रांगली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।